बोलो हाय। हाय तो कैसे हैं? एकदम ठीक है ठीक हैं? जी। दर्द वर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा ना? जी हो रहा है। पूरा छिल उठा चेहरा दिखाइए दर्द थोड़ा। बताओ तो आप जी। लोग देख सकते हैं चेहरा, आँख इनका थोड़ा बच गया, भगवान जी की कृपा थी। ठीक है, जी तो आप 2 मिनट पहले आँख बंद करिए, आँख बंद करिए आप, और सोचिए उस वक्त को, और फिर आपका जो है पूरा एकदम याद आ जाए। तो भैया याद कर रहे हैं। चलिए तो ठीक है, आपके साथ क्या क्या हुआ? आप किससे थे? बाइक से थे? चलो ठीक है, बाइक से थे। आपके क्या साथ क्या क्या हुआ था उस समय बताइए। उस समय गाड़ी चला रहा था, हाँ आगे पूरा रोड खाली था, हाँ पीछे से मैं देखा कि आ रहा है, मगर मैंने नहीं पता था कि ठोक के चल जाएगा। हाँ आया 100 पर लड़ाया, अपने डीसीएम था हाँ तो मैं थोड़ा हिल गया, ज्यादा बहुत तेज था वो। हाँ वो करीबन 80 से 80 के ऊपर था वो हाँ जी, और मैं 30 से 40 था। हाँ वो तो सभी कहते थे। साथ में कौन था? मेरी माँ। तो आप लोग देख सकते हैं जब मम्मी अम्मी लोग रहती हैं साथ में तो ऑटोमेटिक गाड़ी जो है सिलो चलती है तेज, नहीं कहीं से कि थोड़ा भगाते हैं तो मम्मी कहती है सिलो चलो, ठीक है कहती है ना। जी तो आप हेलमेट पहने थे कि नहीं? नहीं क्यों? जी नहीं, हेलमेट पर थोड़ा आंखों से लगता है, थोड़ा आगे दाया दिखता है तो नीचे नहीं दिखता है। हाँ नहीं, आप कुछ दूसरा अभी बता रहे थे कि मतलब थोड़ा हमें चेहरे पर अपने वो था, हाँ जी थोड़ा घमंड घमंड टाइप था ना, जी सोचते थे कि कोई देखे हमें, जी ऐसा कुछ था। जी और आप जो है अब जो है मैं आपने अपना चेहरा बर्बाद कर लिया। जी हेलमेट लगाए होते तो वो साइड बच गया होता। अब तो गले की चोट इतना नहीं होता इतना। हाँ तो इस समय आपकी दवा हो रही है, डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं कि आते हैं? आते हैं वो, कितना लगता है? 400 रुपये दोनों लोग का? हाँ दोनों। चलो ठीक है भैया, हमारा जो है कोई काम करना था, समझ लीजिए कि गेहूं दवाना हो कुछ भी करना हो, सपोज करिए गांव में बहुत काम होता है तो साथ में किसी को चाहिए, तो ये बढ़िया से साथ देते थे हमारा। तो काफी अच्छे इंसान है ये, और दर्द भी नहीं हो रहा है, मर्द आदमी है, इनको सह ले रहे हैं, किसी से कहने नहीं जा रहे हैं, पर हमने सोचा भैया आप जो है कुछ ना कुछ दूसरों का वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ बताएंगे कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है क्यों नहीं। अब आप क्या करेंगे, हेलमेट पहनेंगे कि नहीं? पहनेंगे हर जगह पर, जी, जहीं कहीं पर भी आप बाइक लेकर कहीं जाए? पे भी जाएंगे। हाँ तो बाइक आपकी थी कि किसी और की थी? बाइक किसकी थी? हमारी थी। इन्हीं की थी बाइक। और पुलिस वाले डांटे नहीं फिर कि हेलमेट नहीं लगाए थे? पूछे थे। हाँ और फिर गांव के लोग और कुछ कह रहे थे, मिलने गए थे किसी किसी से? हाँ कौन था वो? था। हाँ जो दिल के पास है। और नहीं जाते तो? नहीं जाते तो घर पे घर पे आ जाते, मतलब इतनी चलो ठीक है, वो तो आपका मैटर है आप ही जाने। ठीक है चलो ठीक है, वो कभी मदद उदद करने के लिए नहीं बोले? बोले। हाँ कुछ पैसा ऐसा ले लो, दवा वा करा लो, जी कहते हैं। क्योंकि आपकी जो है आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, हम भी जानते हैं। चलो ठीक है, भगवान करे कि जल्दी से ठीक हो जाओ। और आगे जो है, आगे कौन है तुम्हारे 63 पे? भाव। हाँ तो भाव की तरह ही हो, चलो उतना कष्ट झेल रहे हो, वरना इतना छिलने के बाद जो है दवा लगाने के बाद जो हालत होती है वो अजब ही होती है। ठीक है तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर से? यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जहाँ भी जाइए हेलमेट लगाइए, मतलब बाइक पर जब राइडिंग करे तो कहीं पे भी जाइए। हाँ हेलमेट को मतलब लगाए रहिए, चेहरे पर गुमान मत करिए। जी चलो ठीक है,